हे गाइस, जय श्री राम सर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर लिया गाइस। गाड़ी बंद हो गई। फोन तो अपन ही हो रहा था। केड़ा मोह है 8:41 हो रही है। 8:41 8:40 हां 35 40 मिनट तक रही है। तो अटक रही कौन चलती होगी। हां इधर हट भी अटक रही। तुम नहीं क्या बोल रहे हो मम्मी। ये बस खाली इतना दे दे। सेल वाला हम दूसरा सेल सेल नया सेल कर लेगा भाई। ठीक है भाई, आप सब सोचेंगे बहुत दिन हो गया ब्लॉग भी नहीं बना रहा, क्या बात, कौन सी लाइफ में बिजी है। लाइफ में बिजी नहीं है गाइस, बस नहीं मन कौन करता ब्लॉग बनाने का, इसलिए नहीं बना रहा मैं। पर आज से चालू करेंगे ब्लॉग 365 देख। हंसोगे है वो मनाऊंगा एक बार 365 का। आप सोच रहे हो नहीं, हर बार बोल देता है 365 का और 3 दिन में बंद। ऐसे नहीं होगा गाइस, एक बार हम करेंगे भाई। सामना आ रहा है उसे चाना बार बार देखूँ। हम करेंगे 365 का 365। ठीक है पक्का झूठ को बोलो। मैं बार है कि सो तो झूठ वाला 3 दिन में बंद करके बात जाड़ता है। क्यों, एक बार रनिंग का भी मैंने 365 का करा था, 3 दिन में मैंने बंद कर दी थी। उसमें बहुत सारे कमेंट भी आए थे क्या हो गया 365 डे का, कहाँ पे गया हुआ 365। अभी होगा गाइस 365। और 365 में कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और कितनी प्यार मिल रही है जनता से। जनता से क्या प्यार मिल रहा है यार, व्यू ही को नहीं आ रहे। जल्दी 2-3 व्यू आते हैं ब्लॉगिंग में, पर हमारे दूसरा चैनल है उसमें गाइस आप लोगों ने इतना अच्छा कमेंट कर रहे, कमेंट तो नहीं कर रहे, इतना अच्छा व्यूज आ रहा है गाइस, बोल नहीं सकता। मेरी जिंदगी में ऐसे कभी इस ब्लॉग में तो आया नहीं, इस ब्लॉग चैनल पर आया ही नहीं। मैंने शॉर्ट में आया होगा पर इसमें नहीं आया। पर गाइस हमारे चॉकलेट लवर में बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और व्यूज भी बढ़ रहे हैं। बता दूं अभी लास्ट मैंने 2 दिन पहले कह रहे थे और उसको 9000 होने वाले हैं व्यू। 9000 गाइस बड़ी बात है मेरे लिए, 9000 व्यू होने वाले हैं। ठीक है तो इसमें भी होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्लॉग आगे आगे शेयर करते रहो, हमारे ब्लॉग देखेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, प्यार बढ़ेगा और अपने बीच में रिएक्शन सीखेंगे। ठीक है तो अभी हम बना रहे हैं चाय। चाय सुबह से 3 बार बना ली घर पे। पहली मम्मी और उठी, उसके बाद हमने बनाई चाय, उसके बाद में दोबारा पापा आए और पापा के लिए चाय बनाई। अभी ये भाई परवीन उठा है, कितने बजे उठा है 8:41 मतलब 9 बज गए और अभी उठा है, उसके लिए भी चाय बना रहे हैं। पापा सुबह से जाके सब्जी लेने गए थे, सब्जी लेके आ गए और साथ में थोड़ा बहुत नाश्ता लेके आए थे। तो क्या लेके आए थे, जेठालाल का सबसे बड़ा फेमस जलेबी पापड़। तो मैंने तो खा लिया पर विजय ऑफिस में चला गया क्योंकि उसका सुबह का शिफ्ट है, मेरा रात का शिफ्ट है, मैं रात को जाऊँगा 10 बजे। तो फाफड़ा लेके आए थे, मैंने खा लिया ऐसे थोड़ा बहुत खा लेता हूँ वापस। ठीक है तो टॉपी टाइम टॉपी नहाते हैं गाइस, बहुत गर्मी है, ऊपर से दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है मैंने। तो ये दाढ़ी गाइस क्यों बढ़ा रखी है, मतलब फेलियर होगा इसमें, किससे प्यार करा था तुमने मुझे पता, मैं इतना देर ब्लॉग क्यों नहीं बनाया आपको पता है, मतलब फेलियर हो गया था इसलिए मैंने दाढ़ी बढ़ा ली। तो अभी कटाएंगे फिर वापस रीस्टार्ट। ओके सो गाइस फाइनली ना धोके रेडी भाई, और लुक देख लो भाई मस्त है ना। अभी खाते हैं गाइस खाना। खाने में हमने बनाया, हमने नहीं मम्मी ने बनाया गाइस, मम्मी ने बनाया गाइस छोले, छोले और रोटी लस्सी और प्याज। जल्दी से परोसते हैं खाने और फिर खाते हैं और फिर चलते हैं गाइस ऑफिस में। सो गाइस फाइनली हमने खाना खा लिया भाई थाली में। क्या क्या है खाने में, खाने में है गाइस छोले की सब्जी, प्याज हरी मिर्च, प्याज रोटी और लस्सी की चटनी गाइस। ठीक है तो साथ में लस्सी गाइस, लस्सी रबड़ी दोनों मिक्स है। तो खाते हैं, टाइम हो गया भाई 10:10 हो गए और पापा वो गए ऑफिस में, भी चलते हैं ऑफिस में, खाते हैं खाना फिर चलते हैं। ठीक है हेलो गाइस, ये हेमंत रानी का मंदिर। व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, बता व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। माता रानी का मंदिर झंडा है भाई, कितना कितना अच्छा। सो गाइस जैसे कि नहीं हम आज आए थे माता के मंदिर हमारे चेन्नई वाले, जैसे कि हमारे माता विष्णु का मंदिर है यहाँ पे चेन्नई में बालाजी नगर में, वहाँ पे आए थे गाइस। क्योंकि नहीं आज हवन था पर अभी तक हवन में कोई आया नहीं गाइस, हमने सबसे पहली
यार माता जी को देख लो गाइस। मिसे दो मिनट चलेगा हां गाइस, को थोड़ा डीजे सेटअप दिखा दिया जा। कहां पे डीजे? डीजे वो रहा आ, उसका अंदर का। अंदर क्या देखो? मतलब उसको जो होगा नहीं आवाज का वाला वैसे आवाज आवाज का नहीं होता नहीं वो आप हम ग्राम आप देख के आओ उसको दिखा रहे हम वैसे आपको दिखा के लगा देख के आऊंगा। ऑन करने को जो होगा नहीं ऑन करने को भी है कहीं को जाते हैं। ये देखो भाई ये गाइस डीजे सिस्टम है पूरा देखो यहाँ पे माइक वाइक है नीचे यहाँ आवाज का ऊपर भी है और ये दो टॉप है कितने के टॉप है ये देखो भाई दो टॉप कितने कौन से कौन से टॉप है ये कितने बात भाई एक्सपी 440 ये आउट जगह है ले ले। ये आउट जगह है भाई सब आउट जगह सेटअप भाई हो और चाचा जाने लोग आने दे रहे ये भाई बोल दो जय माता रानी दे रहे वो मूर्तियाँ छोड़ दे रहे वो डायरेक्ट खिला रहे भाई तू भाई सब अभी डीजे कर दे भाई देखने में कुछ ऐसा है आपको ये बताया तो नहीं बट ये हमारी डीजे हो रहा है मतलब मेरा एक दोस्त है उसका डीजे मतलब उसके भाई का डीजे का काम है उसका डीजे है मैं उसका डीजे काम है मेरे को लगा वही है ज़्यादातर यही और जगह सेटअप वही लेता है देख भाई एस पी एक्स का 450 का है भाई आऊजा ये आऊजा नहीं बहुजा बहुजा वही काम कर देता है आऊजा जीबे 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 तो उससे भी काम कर देता है। नमस्ते अंकल पियानो बजा रहे पियानो टेस्टिंग कर रहे हैं ये गाइस अभी माता का प्रसाद बन रहे हैं और ये इसके लिए टमाटर काटा जा रहा है तो ये कुछ टमाटर है तो इसको काटते हैं वो पुदीना धनिया काट रहे हैं पुदीना के पत्ते ये मां के छोटी और बस आलू की सब्जी चमकेंगी पूरी रोटी ये कृपाल निज भगति पावनी का विधान भगवान सही Thank you.